थोड़ा तेल गरम करके आपके कान में डाल दूं? तेल गरम करो हाँ। और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। कहते दिमाग में तेल डालो, मतलब उनको पता है कि मेरे पास दिमाग है। 15 रुपए की 6 भिंडी, गजब बेइज्जती है। ओह माय गॉड, अरे देवा 6 दिया हाँ। एक दे दो। पशा काका ना वो अच्छे, उन्होंने तो दूसरी शादी कर ली। क्या 70 साल की उम्र में शादी की? अच्छा, ये फंस गया सी है। अरे टप्पू ने रक्षाबंधन में सोनू से राखी नहीं बंधवाई थी, दोनों साथ में घर घर खेलते हैं तो? अरे तो क्या, दोनों का सच में घर बसा दे तो? ओह माय गॉड, टप्पू के लिए आपकी सोनू का हाथ मांगने आए हैं। मजा आया। कहाँ है जेठालाल? क्या शादी की बात लड़के के बाप से करोगे? नहीं। हाँ तो मुझसे कर। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये रिश्ता लेकर यहाँ पर आने की? आपने समझा क्या मुझे? भिंडी मास्टर, मैं अपनी सोनू को जिंदगी भर कमाए रखूंगा, लेकिन आपके घर पे हमें रिश्ता नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ओ भाई, ओ क्या कर रहा है तू? नहीं कुछ नहीं, क्या कर रहा हूँ? अरे क्या कुछ नहीं, स्त्री ढूंढने की जगह लड़के की फोटो देखने क्या बैठ गए? पता नहीं कहाँ, लेकिन बहुत देखा है इसे। अरे भाई वो तो इतने सालों में तुमने न जाने कितनी लड़कियों को देखा है, उसमें से सबसे पहली लड़की जिसने तुमको ना बोला होगा ना, उसकी सबसे बड़ी बेटी होगी ये। जेठालाल, अरे माँ पे गई होगी ना, इसलिए उसकी शक्ल तुम्हें जानी पहचानी लग रही है, वो कह रहा हूँ मैं। ये बंद क्यों पड़ गया? पता नहीं चाचा जी, अभी एक मिनट में चालू हो जाएगा, देखना आप। बंडे बेटा चालू हो जा। ए बेटा बंडे, मस्ती नहीं, चालू हो जा। बिल्ली मास्टर। हाँ चाचा जी। तुझे पागल हो गए, तू पागल हो गए। आप तो सिर्फ मुझ पे जल डालते थे, अभी मेरे नए स्कूटर पे भी जल डालने लगे, और वो भी कितना ठंडा जल, डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के अर्पण करते हो। भाई तो बात बाद में कर, पहले देख, चेक कर तेरा स्कूटर को, ठंडे पानी से उसका जुकाम बुकाम तो नहीं हो गया ना? क्योंकि मैं बताती हूँ, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? दया, मैं तुम्हें मांगने ही वाला था, इतने में भिड़े ना तुमको मांग लिया, ये तो अच्छा है हमारी शादी का टाइम वो नहीं था। प्यारी समझ गई, हमारे पैसे नहीं मिले ना तो हम लोग पुलिस में कंप्लेन करेंगे। या भिड़े तू, मैं कच्ची व्यापारी को धमकी दे रहा हूँ, जा जो करना कर लो, पुलिस में जाओ, जिधर जाना उधर जाओ, जा मैं नहीं देता पैसा, जा। ये भिड़े ने ध्यान नहीं दिया, उस चक्कर में दरवाजा जाम हो गया। ए, क्या कुछ भी बोले पोपटलाल? ए, भाई कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, सत्य बोल रहा हूँ, और सत्य बोलना पत्रकार का जन्म सिद्ध अधिकार है। तू जन्म से पत्रकार हो क्या? अरे जन्म से क्या, पिछले जन्म में भी पत्रकार ही था। अबु, पिछले जन्म में भी तेरी शादी नहीं हुई थी? सुबह जरा दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली? दिल्ली क्यों जेठा भाई? दलाल बताओ क्यों जा रहे हो भाई? ठीक, तब सुनिए, हमारे देश की जनता ने बड़े प्यार और भारी बहुमत से चुना है, ऐसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को मिलने जा रहा हूँ। इतना अच्छा नाम है इसका, मोनिश, मन का ईश्वर, तो आप मोंटू करके क्यों बुलाते? नहीं मतलब मुझे समझ में नहीं आता, आजकल माँ बाप नाम तो अच्छा रखते लेकिन फिर शॉर्ट फॉर्म में बुलाते।
सोनालिका का फोन आया था आज। कौन सोनालिका? सोनू अपनी। यार भी कम नहीं है सोड़ी, क्या फोटो निकला था जेठालाल का, अप्रतिम फोटो। आ भाई भीड़े, ये बालों की बात पे तू ज्यादा हंस मत भाई, तुझे तो चुप ही रहना चाहिए। क्यों? क्यों क्या, बालों के हायर शॉर्टेज तो तेरे पास है। सही बात है भाई भीड़े, ये जेठालाल क्यों राम बनेंगे भाई, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, मुझे भी राम बनना है। पोपटलाल, सबसे पहली बात तो भगवान श्री राम शादीशुदा थे। आप अभी के लिए गाना गा रहे थे ना? How romantic! काश मेरे लिए भी कोई गाना गाता। तो मैं हूँ ना। खत्म। फंड के फंड में सिर्फ 3 लाख रुपए। ओह माय गॉड, बाकी के 1.5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे बेटे? सिंपल है मेथड साहब, 15 फ्लैट है, सब लोग 10-10 हजार निकालेंगे तो हो गया ना 1.5 लाख। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े। ओ पिड़ोत, तुझे यहाँ सब जानते हैं। एक मिनट भाई साहब, आप बोलो उसके पहले मैं बता देता हूँ कि मैं 500 रुपया लेता हूँ। 500 रुपए किस बात के? रास्ता दिखाने का, आपको जहाँ जाना है ना, आपका हाथ पकड़ के वहाँ आपको पहुँचा दूंगा। हाँ ठीक है चलो। आप लोग गांव में पूरे रामलीला का खर्चा देते थे ना? हाँ, तो फिर इस हिसाब से जेठालाल यहाँ पर भी आपको खर्चा देना चाहिए। बस तो फिर दे दो खर्चा। क्यों मेहता साहब? हाँ जेठालाल, इसमें सोचना क्या भाई, करो खर्चा। भाई ये खर्चा मैं सिर्फ इसी साल दूंगा। रघुनाथ जी, वो पुतला जो बनाना है उसका अंदाजन बजट क्या होगा? 30 लाख। देखो जेठालाल, पहले हम आए हैं। किधर? दुनिया में का कंपाउंड में, क्योंकि अगर दुनिया की बात कर रहे हो तो तुमसे मैं बड़ा हूँ, तो दुनिया में मैं पहले आया हूँ, तो इधर प्रैक्टिस हम लोग पहले करेंगे। बिल्कुल बराबर। अरे ये जबरदस्त नहीं, जबरदस्ती जेठालाल है ये, दादागिरी है जेठालाल। हाँ समझो, दादागिरी। देखिए जेठा जी, हम सबको पता है आप नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हो। यस जेठा भाई, आप कुछ भी कर सकते हैं। नीम जी करा के भाई, इंच दे पवा के, टायर कम दे तेरे शहर कम दे। नाम में कड़ा इलेक्ट्रॉनिक की ओर से 55 इंच का स्मार्ट टीवी मिलेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, दिया दिया। मोटी जान मोटा पैसा, दिखा दो कोई मारे जैसा, भीड़ में दिखे अलग चमक ऐसी, चोरी चिल्लावे पैसा। मोटी जान मोटा पैसा, दिखा दो कोई मारे। चल अभी मैं सवाल पूछता हूँ उसका जवाब दे। चल अरे तुम पढ़ाई करो, मेरे लेवल पर आओ, उसके बाद इस साइंटिस्ट को सवाल पूछना। अब देख तू, अब देख तू, अब देख, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। मेरे पास बहुत पैसा है, तू ये होटल खरीद ले, खरीद ले बाबूजी, खरीद ले। सुबह सुबह 20-25 हजार का नुकसान करवा दिया। मजे में मलिक, अरे आपको कौन नहीं जानता, अरे आप गौशाला का इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ
अरे कितना क्या बापू जी के नाम पे 1,00,000 लिख लीजिए। चंपकलाल जंती लाल गड़ा ट्रेंड गेम। चलो भाई शुरू कर। नाश्ता नहीं किया? ग्रिप नहीं बन रहा है। ये सामने जो सीढ़ियां है ना, इसकी वजह से मैं तेजी से जा नहीं पा रहा हूँ दरवाजे की तरफ। भिड़े क्या भाई, ध्यान रखना चाहिए। क्यों इधर है सीढ़ी? और ये जेठालाल, मालूम नहीं था सीढ़ी को सीढ़ी नड़ेगी। ये दरवाजा तो मैं खोल कर ही रहूंगा। गुड मॉर्निंग दादा, क्या हुआ? बहुत बोलो, मीडिया ने ध्यान नहीं दिया, उस चक्कर में दरवाजा जाम हो गया। कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, सत्य बोल रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, उनका बिल का पेमेंट बाकी है। अरे वो हम दे देंगे भाई, बिल देते। मैं भिजवा देता सर बिल। सोसाइटी में जाके हिसाब कर लेंगे। पैसे होते तो मैं दे देता। साढ़े 3,000 अच्छी पहला है। कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। मुझे क्या पता, कितनी बार कहा है कि अपनी चीज संभाल कर रखो, देखो वही कहीं रखी होगी। अरे बहू उसे देर हो रही है, ढूंढ देना उसे। बता दे तुसी दसो। अरे बता ना सोटी, इससे इतना डर क्या रहा है? अरे इससे डरता कौन है? ये सोटी की है? नहीं कोई को, कुछ नहीं मैंने सुना आपके पिता लापता है। हाँ हाँ बबीता जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं स्टेशन गया उनको लेने के लिए, ट्रेन जल्दी आ गई, पता नहीं क्या हो गया। नहीं अभी तक नहीं मिल रहे। तो क्या वो मेरे इकलौते पिताजी? दो तीन होते तो समझ में आता है कि चलो एक गुम गया तो कोई बात नहीं, और दो तो है। डोंट वरी मिल जाएंगे वो, इतना टेंशन मत लीजिए आप। बहुत तेज हो रहे हैं। रोशन भाभी अभी माफ भी कर दो ना इनको प्लीज। ओह माय गॉड, वाओ। रोशन भाभी फाइनल देखो, बबीता जी ने बोल दिया तो अभी माफ करना ही पड़ेगा। चलो ए भाई छोड़े, चल जा घर पे जा। वेरी गुड। चलो मेहता साहब गुड नाइट। चलो नहीं कुछ भी हो जाए, आज की रात मैं रोशन को घर नहीं आने दूंगी। रोशन भाभी ये क्या बात हुई? आप बबीता जी की बात नहीं मान रहे? गजब बेइज्जती है ये, बहुत मतलब अभी हो तो। हमारे धर्म जाति भाषा भले ही अलग हो, लेकिन इनके नाम पर कभी झगड़े नहीं करने चाहिए। हमारा एक ही धर्म है और वो है भारतीयता। हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब और जाति पंथ के भेदभाव को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। हमारे देश को हमेशा अखंड बनाए रखना। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय। दिस वीडियो इज ब्लॉग फॉर छपरी खत्म, बाय बाय।
टाटा गुड बाय गया।